गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है थर्सडे और डेट है 17th of November 2022। और मैं अपने व्लॉग्स डेली अपलोड करती हूँ सुबह 12 बजे। ओट्स चीला बनाएंगे तो ओट्स को पहले ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो गया है, बाउल में ले लेंगे। नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, चाट मसाला। इसमें डालेंगे प्याज, हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। पैन रख दिया है, स्प्रे कर लेते हैं। क्या चाहिए तुमको? तुम्हारे बिस्किट चाहिए? खड़े हो के सूंघ रहे हो, उसको बुला रहे हो, बुला रहे हो। ले लो, खुद से ले लो, जाके जाओ, वो रखे हैं, वो रहे, ले लो खुद से। नहीं लेना या देखो, खुद से ले लो, नहीं बन रहा। चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ। ये लो, ये चाहिए था। ओहो, ये चाहिए था, खा लो खा लो। तो बज रहे हैं सुबह के 9:30। मैं नहा धो के एकदम रेडी हूँ, आप देख सकते हैं। और अब मैं खाने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, जो कि मैंने बनाया था ओट्स चीला विथ सॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही हूँ और मैं आप सबसे मिलूँगी नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ पर मैं दाल बनने के लिए रख रही हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। ये रही दाल, और दाल को मैं थोड़ी देर सोख होने के लिए रख रही हूँ। और इसमें ही मैं डाल दूंगी सभी चीजें, जैसे कि नमक, हल्दी पाउडर, हींग पाउडर, और थोड़ा सा ऑयल। तेल डालने से जो है, जब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे तो सीटी आएगी ना जब, तब पानी बाहर नहीं आएगा।
और यहाँ पर रही मेरी दाल जो मैंने गला के रखी है। 10-15 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी देर और गले रहने देते हैं। तो यहाँ पर दाल जो है गल चुकी है, आधा घंटे से ऊपर हो गया है, और अब मैं इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ उबलने के लिए। और साथ में बना रही हूँ भिंडी की सब्जी लंच के लिए। तो ये मैं सिंपल से बना रही हूँ, लहसुन और प्याज डाल के, और साथ में मैं इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, मिर्ची। और इस साइड देखिए मेरी दाल उबल चुकी है, और अब मैं इसमें डालूँगी मुनगा, फिर हाई फ्लेम पर एक सीटी ले लेंगे। इसके बाद फिर नॉर्मल जैसे फ्राई करते हैं लहसुन प्याज और ज़ीरा डाल के। अब देखिए शाम का टाइम है, यहाँ पर देखिए यूवी एप्पल को पील कर रहे हैं। आजकल सीख गया है यूवी एप्पल को पील करना। और फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है, अपने बच्चों को ज़रूर फ्रूट्स वगैरह खाने की आदत डालिए, क्योंकि फ्रूट्स से मिलते हैं विटामिन्स मिनरल्स। और यहाँ देखिए उसने केले भी खाए, कितने केले खा लिए यूवी? 3। ओके, इसको कट करोगे कि ऐसे ही खाओ लोगे एप्पल को? ऐसे। ओके, बढ़िया, वेरी गुड। साथ में बादाम भी खा लो ना, आलमंड्स अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, अपने खा लेना है ना। और अभी खाने में क्या बनाऊं डिनर में बता दो। क्या बन सकता है? तहरी। तहरी खा लो यार, खा लो ना। कभी भी नहीं है। नहीं मैं अच्छे से बनाऊंगी, मटर और इंटरनिटी आज के बाद अब मैं कभी नहीं खाने वाला तहरी। नहीं मटर वगैरह अच्छे से डाल के। क्यों, क्या हो गया आपको? बहुत बेकार है। अच्छा तो वैसा बना देती हूँ पुलाव। नहीं, मटर गाजर डाल के ना। तो फिर क्या खाओगे? भिंडी की सब्जी, बिरयानी। बिरयानी खाओगे? तो बिरयानी कौन सी? एग बिरयानी बना दूं या सब्जी वेजिटेबल बिरयानी? आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, मंगा लो। अरे यार वो बाहर की इतनी अच्छी लगती नहीं है, मजा नहीं आता। फिर खुद बनाया करो अच्छी। अच्छा तो आपको अच्छी नहीं लगती जब मैं बनाती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अरे यार तो फिर मैं नहीं बनाया करूँ, रोज बाहर से खाओगे ऐसा? तो कम से कम कुछ अच्छा तो रहेगा। तो रोज रोज बाहर का नहीं खा सकते भाई। तो रोज रोज क्या, 2-3 हफ्ते हो गए? 2-3 हफ्ते नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही अपन गए थे। कब? जब वो था ना क्या चिल्ड्रंस डे। तो अपन बट बाहर जाके खाया, अभी अपन बाहर से मंगा रहे। वही बात है ना, खाना तो बाहर का ही तो है। क्या हो गया? अरे यार ऐसे मत किया करो। तो फिर आप भी यार ऐसे मत अब तहरी बनाया करो, क्योंकि रोज रोज बाहर का अच्छा नहीं रहता खाना। तो रोज रोज तहरी भी खाना अच्छा नहीं होता। वन से ना वन से ना वाइल्ड ठीक है, once in a week actually। तहरी भी once in a while ठीक है। तो मैं अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ। once in a while एक बार में सुनाई नहीं दिया क्या? तो क्या अभी क्या बनाऊँ? मैं बिरयानी बना देती हूँ ना, वेज बिरयानी। क्या बोलते हो? वीडियो और बना लो। हाँ यार मैं कोई किसी यूट्यूबर का देखती हूँ और फिर बनाती हूँ। तो बस मेरा हो सकता है कोई अच्छी सी रेसिपी मिल जाए और अच्छा सा बन जाए। क्या बोलते हो? वैसे तो कह रहा हूँ, है ना। तो आप अपना जल्दी से ये एप्पल फिनिश करो और फिर होमवर्क कर लो भाई, 7 बज गए हैं। तो अभी मैं पार्लर से होके आई हूँ, और आज मैंने करवाए थे हाईलाइट। ये देखिए काफ़ी कुछ अच्छे आ गए हैं इस तरीके के। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे हाईलाइट आपको।
मुझे तो ठीक लग रहे हैं, ऐसा है हुआ है इस टाइप से, इधर भी ऐसा हुआ है, ठीक ही है। कैसा लग रहा है यूवी आपको हाईलाइट? मैं क्या बताऊं, पहले कैसा कलर कैसा लग रहा है हेयर का? जैसा पहले जैसे ही कुछ एकदम वाइट, और ऐसा थोड़ी करवा लूंगी मैं नीले पीले, मैं एकदम नेचुरल वो ऐसे ही तो रखूंगी नॉर्मल, जो ज्यादा वैसा भी ना लगे भड़कीला, है ना? भरती भड़कीला से मतलब ज्यादा ही ओवर ओवर डू ना लगे, है ना? चश्मा निकाल लूँ। आप कह रहे हो कि ओडू ना लगे, वाह वाह क्या बात है। चश्मे के बिना ज्यादा अच्छी लग रही है मेरी फोटो, है ना, वीडियो नहीं में। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं चश्मे के साथ वीडियो बनाया करूं या विदाउट चश्मे। मुझे लगता है विदाउट चश्मे से बनाऊं, लेकिन फिर मुझे दूर का कैसे दिखेगा, लेंस लगा के बनाऊंगी, ऐसा ट्राई करती हूँ। क्योंकि लेंस तो लगा सकते हैं ना, हर रोज लगाओगे अब रोज लगा लिया करूंगी थोड़ा, जब तक जितनी देर वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तब तक। चश्मे से अच्छा लगता नहीं है, देखो कैसा लगता, लेंस? ठीक है चश्मे से इतनी अच्छी नहीं आ रही है फोटो वीडियो में, क्या बोलते हो? करना कर लो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, डिपेंड ऑन मी। नहीं डिपेंड ऑन यू। चलो ठीक है, मैं वीडियो देख के और यूवी के लिए बना देती हूँ बिरयानी, बहुत अच्छी सी। मेरे ख्याल से मैं वेजिटेबल बिरयानी बनाऊँगी, ठीक है? ओके ठीक है, बिरयानी बनाती हूँ। तो यूवी, जो आज एक पार्सल आया था वो आपने देखा, उसमें क्या आया है? पता है लिंट रिमूवर। लिंट रिमूवर। अच्छा, तो वो क्या है कैसा है, कुछ खोल के तो देख लेते यार। चलो उसकी हाँ अनबॉक्सिंग ही कर लेते हैं, है ना, उसका देख लेते हैं कैसे फंक्शन करता है, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? तो मेरे व्यूअर्स को दिखाओगे व्हाट इज लेंट रिमूवर एंड हाउ इट फंक्शन, हाँ है ना? कुछ और कट नहीं जाए, ध्यान से करो। मेरा रिमूवर और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, और भी है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है एक्चुअली इन माय ओपिनियन, और क्या है उसमें? बबल रैप अरे क्या कर रहे हो? यूज करते रहते हैं। मेन तो ये है लेट रिमूवर, चलो देखो खोल के। वारंटी कार्ड, एक और बबल रैप। हाँ, वो इसलिए रहता ना ताकि उसमें कोई डैमेज ना हो किसी भी प्रकार का। ये क्या है, उसका कुछ कॉर्ड है? होगा। ब्रश अच्छा, ये ब्रश वगैरह है, भी है ओके, क्लीनिंग ब्रश। और इसका कॉर्ड है, इसका भी आखिरी निकल लिया। कौन सी कंपनी का है? नहीं दिखाऊंगी अगारो कंपनी का है। ओके लिंट रिमूवर, मैनुअल देखना तो पड़ेगा एक बार। बबल रैप, यस
मशीन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हेयर ड्रायर है? हेयर ड्रायर के पैटर्न में। चलो ठीक है, अब कैसा क्या? प्लीज मेक श्योर द वेस बिन इज हैज बीन फिक्स्ड टाइटली। उसके पार्ट्स में क्या क्या है? टाइटन टू लेफ्ट बिफोर टर्न और क्लीन आउट द की द डस्ट बॉक्स टू रिस्टार्ट इफ इट स्टक। ये अच्छा है, वर्क करेगा ये? चल तो रहा रही है, चल नहीं रहा अभी। चार्ज करना पड़ेगा प्रॉब्लम। अच्छा, चार्ज करना पड़ेगा। तो इसमें जो है इसका मैनुअल आया है, इसमें 1 ईयर की वारंटी भी दी हुई है और साथ में ये सब बताया हुआ है उसको कैसे क्या करना है। इसके अटैचमेंट लगाने हैं यार, यूवी अटैचमेंट लगे हुए हैं क्या? ऐसे देखो ना उसका, उसके बारे में पढ़ो तो पहले पता तो चले कि क्या है कैसा करना है। ऐसे ऑन मत करते रहो, वो ऑन ही नहीं हो रहा है इसलिए। उसका पहले पढ़ो पूरा। अरे 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 अरे, उंगली कट जाएगी भाई। वो मैग्नेट देखो, मैग्नेट। अच्छा पीछे जो है वो डस्ट कलेक्टर है ना ये जो ऐसा है। ठीक है, आप देखो उसका जरा पार्ट्स वगैरह देख के और पढ़ के बताओ जरा क्या क्या है उसमें। इसको थोड़ी देर चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद ही वो वर्क होगा। ये क्या चाहिए, ये किस लिए है? इसके बॉक्स में कैसा क्या है यार? पता नहीं, कुछ है ही नहीं कुछ। ये है बायोनिक हनीकॉम मैश, रिचार्जेबल है ये। मुंह तो मैं सभी होते हैं। लिंट रिमूवर जो वूलन्स के ऊपर बॉल्स जैसी बन जाती है उसके लिए ये। उसके लिए चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या क्या है और बाकी का जो है। अगर 2 घंटे रिचार्ज करोगे तो 45 मिनट्स ये वर्क करेगा। माँ आप ऐसा करो, आपने बताया अपने फोन का चार्जर ले आओ तो हो जाएगा चार्ज। तो इसको पहले चार्ज करते हैं उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे वर्क करता है, कहाँ से कैसे चलता है। अभी तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अभी कुछ भी नहीं पड़ रहा समझ में पड़ रहा। तो आप सबसे थोड़ी देर में मिलते हैं इसको चार्ज करने के बाद। तो हमारा जो लिंट रिमूवर है वो ऑन हो चुका है और यहाँ हम करेंगे इसका डेमो। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा लिंट है यहाँ पर। इसके कारण क्या है कि हमारा जो ये पुल ओवर है वो पुराना सा भी दिख रहा है, इसका जो कलर है वो भी फेड फेड सा लग रहा है। तो यूवी आप देखो ऑन हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, करो जरा। धीरे धीरे बोलते हो, वो पकड़े हो काटे नहीं करेंगे ना। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी रिमूव हो रहा है। और जो इस पीछे इसका डस्ट कलेक्टर है वहाँ पर वो जो लिंट है वो कलेक्ट होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर करके बताओ। हाँ यार रिमूव हो रहा है, ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है।
पीछे दिखाओ कैसे कलेक्ट हुआ है। ओ ये तो बहुत सारे हैं। अरे कितने सारे थे भाई, पता ही नहीं चल रहा था इसमें इतने सारे हो सकते हैं। और अभी तो काफी जगह बचा हुआ है ना, एकदम नई जैसे हो गई। और आपके जो पुलोवर का जो कलर है वो भी एकदम डार्क हो गया है। बिल्कुल साफ था, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ठंड के लिए हाँ जितने स्वेटर्स वगैरह हैं अपने, उसको जरूर करना चाहिए। हाँ स्वेटरों को पुराने से नए बनाने का जो सोल्यूशन है वो ये है ना। लो बॉल उसको बना फिर दी ऐसे करके हटा लिए, साफ कर लो बस, और फिर उसको लगा दिए वापस से। और 2 घंटे बस चार्ज करना रहता है उसमें, वो 45 मिनट्स चल जाता है आराम से। और कोई भी अडेप्टर आपके मोबाइल अडेप्टर से उसका जो कॉर्ड है वो लगा के और उसको चार्ज कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं बिरयानी बना रही हूँ लेकिन मैं कोई यूट्यूब चैनल की वीडियो देख के नहीं बना रही। मैं यहाँ पर है ना, ये जो बिरयानी मसाला है रामदेव का, उसके पीछे जो रेसिपी दी रहती है ना, मैं वो वाली ट्राई कर रही हूँ। ओके मैं अभी बिरयानी ही बना रही हूँ। वेज बिरयानी बना रही हो कि नॉन वेज बिरयानी? चिकन वेज वेज वेज। इसमें देखो यहाँ पनीर वाले चावल ले लिए हैं बासमती राइस, और उसको मैंने उबलने रख दिया है। लगभग ये उबलने के उसमें ही है अभी, उसको चेक कर लेते हैं। हाँ थोड़ा कड़क है अभी, थोड़ा और 5 मिनट और लगेगा। और यहाँ पर मैंने प्याज स्लाइस कट करके रख लिए हैं। 2 प्याज लिए मीडियम साइज के, 2 टमाटर लिए हैं, 1 गाजर ली है, और उसमें मैं थोड़ी सी मटर भी डालूंगी। और अभी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। पेस्ट तो नहीं बना रही हूँ लेकिन मैं वो कूट के बनाऊंगी। यहाँ पर देखो मैं लहसुन छील रही हूँ, और यहाँ पर ये अदरक है, इसको मैं दोनों को कूट के क्रश करके और फिर मैं उसमें डालूंगी। यही इसमें इतनी रेसिपी दी हुई, ज्यादा उसमें दी नहीं है। तेल गरम हो जाएगा, फिर उसमें डालना है जीरा और बस। और बाकी के ये सब प्याज टमाटर और फिर सब्जियां डाल के, और फिर ये बिरयानी का मसाला डालना है, और फिर चावल डाल देना है। इसमें शॉर्ट एंड स्वीट रेसिपी दी हुई है, ये वाली मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। वहां पर मैक्स खाना खा रहा है वो, उसने बस बल्कि खा भी लिया, उसने खत्म ही कर दिया अपना खाना। आजकल मैक्स कैमरा देखते ही कॉन्शियस हो जाता है। सबसे पहले वो जेंटलमैन बन जाता है, जेंटल डॉग। वह देखो उसको कितना अच्छा बन रहा है देखो। ये भी आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई। अच्छा अपना मैथ्स का कर रहा हूँ। होमवर्क मैथ्स का हो गया कंप्लीट? अच्छा, तो जल्दी कर लो फिर, रात हो जाएगी ज़्यादा है ना बेटा। ओके ये भी कैसे बनी बिरयानी? अच्छा नहीं है, अच्छे से बताओ। खास नहीं है तहरी? अच्छा तो फिर तहरी ही बनाऊंगी अगर खास नहीं। वो तो अति भी नहीं है खास, तो तहरी से तो अच्छी है ना। इसको ही और पॉलिश कर लूंगी मैं धीरे धीरे। तहरी से तो 100 लाख 400 करोड़ गुना ज्यादा अच्छी है। अच्छी है तो क्या, कितने पॉइंट्स दोगे आउट ऑफ 5? 3। अच्छा ओके दिखाओ कैसी बनी है बिरयानी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, व्लॉग नंबर 7। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और भी अपने फ्रेंड्स फैमिली को बोलिए कि ये सब्सक्राइब करें। और मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।